इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लैंपर, उसको कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने छोड़ा था। तो अब यहाँ पर बायस्ड सर्किट है ना। तो बायस्ड सर्किट में अब एक वेवफॉर्म ले लेते हैं, ये बोयल स्टेट की है। तो बोयल स्टेट में जो इनपुट वेवफॉर्म दी है वो दी हुई है कुछ इस तरह की। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट का है, इधर नेगेटिव में -20 वोल्ट का है, फिर 10 वोल्ट का है, फिर -20 वोल्ट है। ये तो इस तरह की ये वेवफॉर्म है, ठीक है जी। और यहाँ पर 0, ये T1 दिया हुआ है, इसको T2 दिया हुआ है, इसको T3 दिया हुआ है, और इसको T4 दिया हुआ है। तो ये 10 वोल्ट है प्लस का, और ये वाली जो है पीक -20 वोल्ट है, नेगेटिव पीक। ये है हमारी वीन। जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का है। कैपेसिटर, डायोड, और यहाँ पर एक बायस्ड सर्किट, सही है। तो बायस सर्किट, जो बायस्ड जो क्लैंपर है उसमें ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। तो वोल्टेज सोर्स सपोज करो 5 वोल्ट का दिया हुआ है। अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं ली थी पिछले न्यूमेरिकल में, तो वी की वैल्यू कोई रख के उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी चलो एक बार कर लेंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर आपका ये है 10 100 किलो ओम का रसिस्टर, आर की वैल्यू, और इसके अक्रॉस हम ले रहे हैं V0, ये ओम है, ठीक है। और V ले रहे हैं V0, ये यहाँ पर इन दो टर्मिनल पे। तो इस तरह का है हमारा सर्किट। तो सबसे पहले क्या करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है थ्रू डायोड, तो डायोड को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव वोल्टेज दोगे, ये वाली, मतलब आप अगर इधर पॉजिटिव वोल्टेज दो +-10 वोल्ट की, तो डायोड ऑन तो होगा नहीं, इस 5 वोल्ट जो है ये भी कम रह जाएगा, है ना, तो ऑन नहीं होगा। तो हमें देना पड़ेगा, फिर हम T1 से स्टार्ट करेंगे वेवफॉर्म को प्लॉट करना, ठीक। तो एक लाइन में यहाँ पर इसको भी खींच लेता हूँ इधर। ये हमारी हो गई T1, ये हो गई T2, ये T3, ये हमारी T4। तो मार्क कर देता हूँ, ठीक है, या ऊपर से ही देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी सी फैल जाती है, चलो उसको अब। तो T1 से T2, तो T1 टू T2 क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज जो अप्लाई होगी आपकी होगी नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये तो डायोड ऑन रहेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह बनेगा। तो डायोड को अभी हमने आइडल डायोड लेकर चल रहे हैं इसमें, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड की है, उसके बाद फिर सिलिकॉन बना देंगे, ठीक। तो ये नोड है बेसिकली, है ना, तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये कैपेसिटर हो गया, डायोड हमारा ऑन, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो एक ही वोल्टेज से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये हमारा, तो ये तो बायस्ड वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, यहाँ पर जो है ये 20 वोल्ट का है, और यहाँ पर फिर हमारा रेसिस्टर, ठीक, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V0, और ये माइनस प्लस। तो अब जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो किस तरह होगी, तो 20 वोल्ट ये इधर है माइनस, ये प्लस, तो करंट हमारी इधर फ्लो होगी, तो कहने का मतलब है इस तरह फ्लो होगी, ठीक है, और डायोड हमारा ऑन हो गया है, तो ये इस तरह करंट फ्लो होगी। तो अब कैपेसिटर जो चार्ज होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 20 वोल्ट ये और 5 वोल्ट ये, तो कितना बना, 20 + 5 25 वोल्ट, और ये पोलैरिटी इसकी कैपेसिटर की, तो 25 वोल्ट से तो ये चार्ज होगा। V0 की वैल्यू, V0 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये शॉर्ट हो ही गया, तो इसके अक्रॉस आएगी 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव की, T1 से लेकर T2 तक 5 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये है यहाँ पर 5 वोल्ट, ठीक। तो V0 5 वोल्ट आ गया है, कैपेसिटर चार्ज हो गया 25 वोल्ट से, ऑलराइट। अब T2 टू T3, तो T2 से T3 की तरफ, तो यहाँ पर अब ये हो गया माइनस, मतलब अब ये 10 वोल्ट का, सही है। तो पोलैरिटी इसकी बैटरी की ये हो गई, 10 वोल्ट का है इधर T2 से लेके T3 तक, तो 10 वोल्ट, और इसको रिमूव कर देते हैं, तो 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब जो डायोड है वो ऑन होगा नहीं, तो ऑन नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ सर्किट को हम दोबारा से इसको रिक्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अब 10 वोल्ट,
एक ये ठीक है, ये आपकी बड़ी वाली प्लेट है, ये छोटी वाली प्लेट, तो ये 10 वोल्ट का है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये 5 वोल्ट जो है अब ये फ्लोट है ना, हवा में लटका हुआ है। एक टर्मिनल इसका डिस्कनेक्ट है, तो इसका मतलब हवा में लटका हुआ है, ठीक है। तो ये तो आउटपुट पे इसका कोई रोल है नहीं, तो करंट जो फ्लो होगी अब इस तरह करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो 10 वोल्ट ये, 25 वोल्ट ये, माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 10 प्लस 25 35 वोल्ट हो गया। तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में प्लस माइनस, और वी जीरो इक्वल्स टू 35 वोल्ट, ठीक। तो ये आ रहा है पॉजिटिव में 35 वोल्ट, तो 35 वोल्ट का यहाँ पर कुछ बना देते हैं, ठीक है जी। ये है 35 वोल्ट, तो यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ये है 35 वोल्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट वाली वेवफॉर्म जो आएगी वो भी इस तरह कुछ इस तरह आएगी, फिर इस तरह चलेगा, तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो इस वेवफॉर्म को भी जो ये वाला है T22 T3, इसको इधर प्लॉट कर दो, नहीं करना है मत करो, ऐसे रहने दो। तो जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह की अब हमारी आएगी। ठीक है, तो मैं इसको रेड से कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये वेवफॉर्म क्लियर हो जाएगी। अब ये वेवफॉर्म आएगी हमारी, और फिर यहाँ तक, और फिर ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो अब इसका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, इसका पीक टू पीक 35 या 5, तो 30 वोल्ट, ठीक। इसका पीक टू पीक यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये भी 30 वोल्ट, तो पीक टू पीक सेम है ना। तो ये तो हो गया इसका वेरिफिकेशन। अब आते हैं अगर डायोड सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन है तो 5 वोल्ट इधर, और जब पहले T1 से लेके तो यहाँ पर T1 से लेके T2, तो जो वोल्टेज थी इधर, अब ये वाली होगी -20 वोल्ट, तो -20 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक। ये वाला -20 वोल्ट सिलिकन है, तो इसको ऑन कर देते हैं, इसको वापस दोबारा से आते हैं सिलिकन डायोड लेके। अब हमने थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया है, तो ये बनेगा, ठीक। ये आपका हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया बैटरी का, और ये 20 वोल्ट हो गया। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, ये शॉर्ट हो गया, तो अब करंट फ्लो होगी इस तरह। शॉर्ट नहीं हुआ, इसमें सिलिकॉन डायोड लिया है, तो उसका पोटेंशियल बैरियर बनाना पड़ेगा, तो ये इसके अपोज में बनेगा, तो 0.7। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो 25 माइनस 0.7, यानी जो वोल्टेज आएगी वो अब आएगी 24.3 वोल्ट, जो कैपेसिटर चार्ज होगा। पर 20 वोल्ट ये, 5 वोल्ट ये, 25, और 0.7 जो है, क्योंकि डायोड जब आपको फॉरवर्ड बायस में होगा तो अपोज करता है जो भी वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो 0.7 वोल्ट से उसका अपोज करेगा, तो उसमें से माइनस कर दो, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 24.3, तो कैपेसिटर इसी वोल्टेज से चार्ज होगा, तो 24.3। और जो वी जीरो जो आएगा वो आएगा हमारा, पहले आया 5 वोल्ट, ठीक है। अब कितना आएगा इन दोनों के अक्रॉस अगर देखें तो, ठीक है, तो वी जीरो इक्वल्स टू आया हमारा 4.3 वोल्ट। तो अब ये बन गया यहाँ पर 4.3 वोल्ट का, ठीक। अब दूसरा केस, अब आते हैं T2 से लेके T3 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 किलोहर्ट्स क्वेश्चन में, और क्या पूछा हुआ, टाइम कांस्टेंट पूछा होगा, तो फिर कैपेसिटर की वैल्यू भी दी होगी। हाँ, तो कैपेसिटर की वैल्यू भी दी है 1 माइक्रो फेरेड, तो आप निकाल लेंगे, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो और सिलिकॉन का इसमें डायोड का कुछ रेसिस्टेंस ऐसा दिया नहीं है, ठीक। तो उसको एज्यूम कर लो 20 ओम या 25 ओम, इस तरह कर लो, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट कुछ पूछा होगा इस तरह का, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, है ना। तो आते हैं T2 T3। अब यहाँ पर जो वोल्टेज हो गई वो हो गई पॉजिटिव, और पॉजिटिव की हो गई 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो डायोड है ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ जस्ट एक ओपन सर्किट,
यहाँ पर वोल्टेज आ गई हमारी 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट ये 24.3 ये, अब जो करंट फ्लो होगा वो इस तरफ फ्लो होगा, ठीक। तो प्लस माइनस तो 10 24 यानी 34.3 वोल्ट, ठीक है 34.3 वोल्ट। तो ये बन गया हमारा 34.3 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज देख लो पीक टू पीक कितना बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पीक बना दिया है, इसको 34.3 लिख दिया है, 30 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका, चलिए इसको यहीं रोकते हैं। उसके बाद उसमें एक एक दो प्रॉब्लम और ले लेंगे और उसके बाद इसका काम खत्म, ठीक। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ। अब ये हमने ऊपर लिया हुआ है इसकी पोलैरिटी, अब इसमें भी है ना चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो एक बार डायोड ये इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक पोलैरिटी इसकी ऐसे ही रखो और जो बायस वोल्टेज है इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव में इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के चार केस बनेंगे, तो उसमें से एक तो हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी के अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इसको ही रोकते हैं।